हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जो स्कूल सो हियर आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ़ आरएमएस फ्रंट ऑफ यू सो टुडे वाज आरएमएस एग्जाम तो आपने वहां जब एग्जाम दिया तो आपने इमेजिन किया होगा कि आपको किस चीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके हम आपके पास आ रहे हैं आपको हम एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन बताए हैं इस टारगेट को कंप्लीट करना चाहते हैं अचीव करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे जो बैच हैं वो फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे आइए हमारे स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी है तो आप वहाँ पे आके अपना हॉस्टल का पूरा देख सकते हैं जो भी आपकी सीट्स हैं हमारा जो टारगेट है कि आर एम सी या आर एम एस या सैनिक स्कूल इस टाइप के जितने भी आपके टेस्ट हैं वो हम पूरे प्रिपेयर करवाते हैं तो उसके लिए प्लीज आप हमारे हॉस्टल में आइए हमारे स्कूल में आइए चलिए लेट स्टार्ट टूडेज क्वेश्चन इज फाइव थाउजेंड डेकागन इज डैश के जी सो फाइव थाउजेंड डेकागन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी जीज यू नो दैट डेकागन ंग हैरीडाई से जैसे हम क्वेश्चन करते हैं तो डेकागन को के जी बनाने के लिए हम कितना करेंगे हंड्रेड से डिवाइड तो फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाई हंड्रेड फर्स्ट ऑप्शन इज फिफ्टी के जी प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट एट आपके पास एक हंड्रेड प्लेस पे है एक थाउजेंड प्लेस पे यानी एट हंड्रेड प्लस एट अपॉन थाउजेंड इसका सम बोला है उसने सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा एट हंड्रेड पॉइंट जीरो जीरो गिवन आपको गिवन है और आपको गिवन है फिफ्टीन अपॉन एट तो आपको पता है इसमें क्या चीज ग्रेटर है उसके लिए आप क्या करोगे डिनोमिनेटर सेम करोगे तो डिनोमिनेटर सेम कर दिया हमने नाइन अपॉन सिक्सटीन ग्रेटर देन थर्टी अपॉन सिक्सटीन तो विच इज द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सो आपको देखिए अब ये लेस आएगा उसने पूछा क्या है नाइन अपॉन सिक्सटीन थर्टी अपॉन सिक्सटीन तो थर्टी इज ग्रेटर सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर इज इट क्लियर नाउ नेक्स्ट

90 है, 90 में से फोर्टी क्या है एबसेंट सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट फिफ्टी राइट फिफ्टी रोमन एल सो आंसर इज ए नाउ टैंक ए सिक्स टाइम्स एज एज टैंक बी मतलब टैंक ए में बी से सिक्स टाइम्स वाटर है तो बी में अगर एक्स है तो ए में कितना होगा सिक्स एक्स अब उसने क्या बोला हाउ मच वाटर मस्ट मनोज ट्रांसफर टैंक ए टू टैंक बी सो दैट ईच टैंक कंटेन सेवेंटी वाटर कितना आना चाहिए लीटर तो ईच टैंक मतलब टोटल वाटर कितना है क्योंकि ईच टैंक में बात कर रहा है तो इट मीन सिक्स एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वन फोर्टी क्योंकि दोनों टैंक में सेवेंटी सेवेंटी सो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी ट्वेंटी जो वॉटर so, 70 -70 शिफ्ट करना पड़ेगा इसमें फिफ्टी तो so, दोनों में क्या आ जाएगा सेवेंटी सेवेंटी सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इज इट क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे आपका आना था अब यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल रहे हैं अगर हम ऐसे ए की वैल्यू निकाल ले तो क्या करेंगे यहाँ पे आपका सेवनटीन मल्टीप्लाई टू बाय थ्री इज इक्वल टू सेवनटीन प्लस टू ए ए प्लस ए टू ए तो सेवनटीन मल्टीप्लाई टू बाई थ्री इज इक्वल टू सेवनटीन प्लस टू ए तो आप क्या करोगे सेवनटीन टू जा थर्टी फोर बाई थ्री माइनस सेवनटीन इज इक्वल्स टू टू ए सेवेंटीन थ्री इज अ फिफ्टी वन सो माइनस सेवनटीन अपॉन थ्री एल्सिम ले लिया मैंने और सब ट्रैक्ट कर दिया इज इक्वल्स टू टू अपॉन ए इस तरह से ए की वैल्यू तो हमारी आ रही है माइनस सेवनटीन अपॉन सिक्स बट इट इज इनकोरेक्ट ठीक है इट तो मीन्स यहां पे जो साइन आना था वो सिंबल किसका आना था मल्टीप्लीकेशन का किसका सिंबल आना था मल्टीप्लीकेशन सो आर आंसर इज अगर यहां मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है तो यहां टू बाय थ्री लाने के लिए हमें ए की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी ए इज इक्वल्स टू वन बाय थ्री इज इट क्लियर क्योंकि वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री टू बाय थ्री आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा ओके सो ऑप्शन ए आएगा लेकिन ये स्टेटमेंट आई थिंक चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सम ऑफ क्वेश्चन एंड ट्वेल्व नाइन एंड ट्वेल्व के फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स तो आपको पता है बेटा कॉमन मल्टीपल्स जो है वो एक तो होगा नाइन का थर्टी सिक्स 9 और 12 का और दूसरा कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा सेवेंटी टू अब आप इसको ऐड कर देंगे तो आंसर इज वन हंड्रेड एट सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द वेट ऑफ वन एप्पल इज़ ग्राम क्लियर द वेट ऑफ वन एप्पल इज फिफ्टी ग्राम एंड दैट ऑफ मेलन इज फाइव हंड्रेड ग्राम वॉट इज द वेट ऑफ थ्री मेलन एंड टेन एप्पल टूगेदर अब देखो वन एप्पल का वेट हो गया अब एप्पल कितने बोला है थ्री एप्पल के बोल रहा है वो थ्री मेलन और टेन एप्पल टेन एप्पल का बोल रहा है प्लस थ्री मेलन का इज इट क्लियर तो एक एप्पल का कितना है एक एप्पल का आपको फिफ्टी है तो टेन एप्पल का कितना हो गया फाइव हंड्रेड ग्राम मल्टीप्लाई कर दिया प्लस वन मेलन का है फाइव ग्राम तो थ्री मेलन का कितना हो गया हंड्रेड yes. ग्राम ठीक है जी तो टोटल आ गया आपका टू थाउजेंड ग्राम टू थाउजेंड ग्राम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इज इट क्लियर नाउ नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट अ लेन अ लेन वन फिफ्टी मीटर लॉन्ग एंड नाइन मीटर वाइड इज टू बी पेब्ड आपको क्या इच मेजरिंग है हाउ मैनी तो जहां पे लगानी है उसकी क्या है आपको लेंथ गिवन है और टाइल की भी आपको क्या है लेंथ ब्रेथ गिवन है तो आपको बताया गया है जब भी नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है तो उनका एरिया नीचे रखेंगे वन फिफ्टी मीटर तो फिफ्टीन थाउजेंड सेंटीमीटर एंड मीटर स नाइन हंड्रेड सेंटीमीटर ये मैंने बना दिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइल्स टू टू फाइव अपॉन टेन मल्टीप्लाई सेवेंटी फाइव अपॉन टेन इज इट क्लियर अब इसको सिंप्लीफाई करिए फेस को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ रहा है एटी थाउजेंड टाइल्स ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हाट टाइम विल एट थाउजेंड एट थ्री परसेंट पर एन एम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एट व्हाट टाइम इंटरेस्ट क्या है सेम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट दिस डन फाइव इयर्स एंड फोर परसेंट इट मीन्स एट थाउजेंड मल्टीप्लाई थ्री इसका टाइम हमें निकालना है इसका टाइम हमें फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय हंड्रेड ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेकिन कहता है इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर इसके अपॉन हंड्रेड इसके इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट तो कर दीजिए इक्वल तो कितना आ गया वन थ्री टू जो टू जा एट कैंसिल सो आर टाइम इज फाइव इयर्स इतना आ गया टाइम हमारा फाइव ईयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको पता है वन uh, किसी भी टर्म की पावर जीरो क्या होता है वन तो पी की पावर जीरो वन क्यू की पावर जीरो वन ब्रैकेट में है ये इन टू वन तो वन प्लस वन टू टू वन ज टू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट If seven spiders make seven web in seven days, clear? So then one spider make one web in how many days? Yes. So option C is the correct answer. Seven. So seven, one spider, one web in how many days? Seven days. Is it clear? नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क बोर्ड मार्क्स अप्लाई करना था आपको तो ये आ गया आपका डिवाइड करके थ्री फिर थ्री को इससे मल्टीप्लाई कर देना है फिफ्टीन सो फोर माइनस वन प्लस फिफ्टीन माइनस वन ठीक है जी कितना आ गया आपका फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन माइनस टू विच इज इक्वल टू सेवेंटीन सो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज इट क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अ फ्रूट सेलर बाय लेम एट टू फोर अरुपी एंड सेल दाइव फोर थ्री देखिए फर्स्ट आप सीपी निकाल लीजिए सीपी उसने बोला है एप्पल कितने के हैं तो सीपी कितना आ गया rupi, one by two. SP कितना आ जाएगा एसपी आ गया आपका थ्री बाय फाइव ये बोल है ना वो तो ये आ गया आपका तो ये बन गया आपका जीरो पॉइंट फाइव और ये जीरो पॉइंट सिक्स अब आपको क्या हो रहा है गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकाल दीजिए गेन परसेंट आ गया आपका जीरो पॉइंट वन अपॉन जीरो पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई हंड्रेड वन बाय फाइव फाइव से कट गया ट्वेंटी सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ट्वेंटी परसेंट तो आपका आंसर कितना आ गया इसका ट्वेंटी परसेंट इज इट क्लियर चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन

फैक्टर मीन्स जो इसको एग्जैक्टली exactly डिविजिबल है तो आंसर बी ऑप्शन बी टेन थाउजेंड एटी सिक्स इज डिविजिबल बाय वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर एक्स एंड वाई इज वन सिक्सटी वन एल्सियम गिवन है देन द वैल्यू ऑफ थी वाई माइनस एक्स इज तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वन सिक्सटी वन वन सिक्सटी वन थ्री uh, से नहीं जाएगा फाइव से नहीं जाएगा सेवन से करके देख लेते हैं टू टू है ना तो प्राइम फैक्टर्स बोला है तो सेवन एंड ट्वेंटी थ्री दीज आर बोथ आर प्राइम नंबर्स और इनका एलसीएम आ गया वन सिक्सटी वन तो उसने बोला है थ्री वाई मतलब थ्री को अच्छा और एक्स इज ग्रेटर देन तो इट मीन्स ट्वेंटी थ्री एक्स है और ये आपका क्या है वाई तो थ्री वाई तो ट्वेंटी वन

कितना आ गया आपका ट्वेंटी फाइव अब एक्स की वैल्यू अब उसने पूछा है नंबर तो एक एक्स आपका टू था मतलब ट्वेंटी एंड सेवेंटी फाइव फिफ्टी एंड सेवेंटी फाइव ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड बी शुड कम इन द्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क अब यहाँ पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क मतलब क्या करना है ऐड करिए दोनों को और डिवाइडेड बाय तो हमारा इसको ऐड करा जब हमने फर्स्ट ब्रैकेट तो हमारा आ रहा है वन फाइव सेवन टू फाइव डिवाइडेड बाय दूसरी ब्रैकेट को एड किया तो टू जीरो एट सेवन अब इसको आपने डिवाइड किया डिवाइड करके आपका ऑप्शन आ गया वैल्यू बोला है तो इज द करेक्ट आंसर नाउ टू कैन नॉट बी आर इन रेशो और उसने बोला है टू नंबर्स का समी फोर लेकिन वो कौन सी रेशो में नहीं हो सकते ये आपको बताना है इसमें तो इसमें आप रेशोस को ऐड करके देख लीजिए जैसे सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व

टू प्लस थ्री हुआ फिर फाइव प्लस फोर हुआ नाइन नाइन प्लस फाइव हुआ फोर्टीन फोर्टीन में कितना ऐड हुआ सिक्स अब इसमें क्या होगा सेवन आंसर कितनाज ट्वेंटी सेवन नाउ नेक्स्ट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रिक्टेंगल, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रिक्टेंगल आर डबल हाउ मच इट्स पेरीमीटर इज अब उसने क्या बोला है लेंथ एंड ब्रेथ आर डबल ठीक है जी अगर लेंथ क्या है ब्रेथ से डबल है तो इसका पैरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसने बोला इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर डबल हाउ डज इट्स पेरीमीटर चेंज पैरीमीटर चेंज है यहाँ पे ये मिस प्रिंट मतलब आया नहीं है अच्छे से पैरीमीटर चेंज तो पैरीमीटर में क्या चेंज आएगा वैसे पैरीमीटर अगर लेंथ एल है ब्रेथ भी तो पैरीमीटर ये होता है क्लियर अब उसने बोला कि अगर लेंथ और ब्रेथ को क्या कर ले डबल टू एल कर ली लेंथ और टू बी कर ली ब्रेथ दोनों को क्या है डबल कर दिया तो टू कॉमन आ जाएगा आपका टू एल प्लस बी इज इट क्लियर तो इसका मतलब क्या हो गया ये पेरीमीटर हो गया और ये भी तो इट मीन्स पेरीमीटर भी क्या हो गया डबल सो so इसका ऑप्शन है बी पेरीमीटर इज ऑल्सो डबल उसने ऑप्शंस दे रखे ट्रिपल डबल हाफ एंड सेम तो आपका पैरामीटर भी क्या हो गया डबल हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सरफ़ेस इनक्लोज अ प्लेन फिगर अब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सरफ़ेस इनक्लोज बाय अ प्लेन फिगर इज कॉल्ड तो क्लोज फिगर का जो प्लेन का जो क्लोज है उसको आप क्या बोलते हो एरिया क्लोज फिगर का जो सरफेस है दैट इज एरिया नाउ नेक्स्ट सॉलिड हैज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फेसेस अब बताइए किसके ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फेसेस होते हैं तो अब आपको पता ही है जो कौन है कौन का कितना फेस होता है वन फेसेस होते हैं सिलेंडर के कितने होते हैं थ्री ठीक है और प्रिज्म के कितने होते हैं फाइव और क्यूब के कितने होते हैं सिक्स तो इट मींस उसने यही पूछा है ना व्हाट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फेसेस तो वो आ गया हमारा क्यूब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नाउ नेक्स्ट अविनाश डिवाइडेड वाटरमेलन इनटू एटीन पार्ट्स ज्योति एट सेवन आउट ऑफ देम सेवन मतलब उसने क्या किया अविनाश ने वाटरमेलन को सेवन एटीन पार्ट्स में डिवाइड किया ज्योति ने उसमें से 7 ले लिए ज्योति एट 7 खा लिए दिव्या एट 4 फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वाटरमेलन रिमेन तो कितने बच गए अब टोटल पार्ट थे एट सेवन और फोर तो खा लिए इलेवन खा लिए तो बचे कितने इतना पार्ट लेफ्ट है सेवन सेवन पार्ट लेफ्ट है तो उसने बोला फ्रैक्शन व्हाट इज द फ्रैक्शन वाटरमेलन तो सेवन अपॉन टोटल ये ठीक है नाउ नेक्स्ट इसको आपको सिंप्लीफाई करना था तो इसका आंसर आपका आ जाएगा तो इसका ऑप्शन है हमारा ये तो आपका ब्रैकेट्स ओपन करनी थी सिम्प्लीफाई करके इसका आंसर आएगा आपका एट सी प्लस थ्री बी ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द वन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ वन आर वन ट्वेंटी फाइव अपॉन हंड्रेड इन टू सिक्सटी ठीक है वन ट्वेंटी फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव फोर जर फोर फिफ्टीन सा सेवेंटी फाइव मिनट्स यस चलिए नेक्स्ट है हमारा यस yes, बेटा इसमें उसने बोला है कि जो प्रिंसिपल है वो अपने आप का कितना हो जा मतलब सिंपल इंटरेस्ट जब लग गया तो अमाउंट उसका एट बाई सेवन परसेंट अपने आपका वो एट बाय सेवन हो गया तो इट मींस इतने ईय में तो आपको रेट फाइंड आउट है तो आपको पता है अमाउंट आपको दे दिया एट बाय सेवन पी ये अमाउंट हो गया तो प्रिंसिपल आपका पी ही है और टाइम आपको दे रखा है टू पॉइंट फाइव ईयर्स तो आप वहाँ से रेट सिंपल इंटरेस्ट निकालिए ए माइनस पी करके जो आएगा फिर आपकी रेट आ जाएगी फाइव अपॉन फाइव बाई सेवन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी थ्री थाउजेंड एम एल बॉटल्स आर फिल्ड विद सेवन मीटर सेवन पॉइंट फाइव मीटर क्यूब सो आर करेक्ट आंसर यू नो दैट फर्स्ट हमें इस एम को क्या करना पड़ेगा मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा और आपको पता है वन एम एल इज इक्वल्स टू वन अपॉन दिस मीटर क्यूब इज इट क्लियर तो बस फिर आपने इसको क्या किया तो ये आपका आ जाएगा थ्री अपॉन थाउजेंड मीटर क्यूब अब आप इसको क्या करोगे सेवन पॉइंट फाइव से डिवाइड कर दोगे तो योर करेक्ट आंसर इज 2500 now next question is very simple 16 mixed term is 16 ones are 16 plus 9 25 25 upon 16 25 upon 16 yani 5 by 4 25 ka square root 5 and 16 ka 4 so answer is 1 whole number 1 by 4 so correct answer 1 whole number 1 by 4 now next the average of seven consecutive numbers सेवन कॉन्जिव नंबर इज ट्वेंटी द लार्जेस्ट ऑफ दीज सो आर कॉरेक्ट आंसर इज ट्वेंटी थ्री नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज इन decimal फॉर्म थ्री by एट अब आपको पता है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको थाउजेंड हंड्रेड लेके आना होता है तो वन अपॉइंट ट्वेंटी फाइव से ही करोगे मल्टीप्लाई वन ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री करिए तो आपको पता है कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री ये और अपॉन क्या आ जाएगा आपका थाउजेंड अपॉन आप आ गया थाउजेंड तो ये आ गया आपका थ्री सेवन फाइव डिवाइडेड बाय था सो आर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन क्लियर द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट इट फॉर्म्ड बाई formed by the digit three zero eight five and one three zero eight five and one अब देखिए three zero eight five एंड one आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है smallest नंबर बोला है three तो क्या आएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो one से स्टार्ट करेंगे और जीरो हमेशा second डिजिट है तो वन ज़ीरो थ्री फोर एट ट वन जीरो थ्री फोर एट तो ये आपका आ गया करेक्ट आंसर इज इट क्लियर चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो कहता एक बस है जो इतने बजे चली और थ्री फोर्टी पी एम पे पहुँच गई तो उसने कितना टाइम लिया बार थर्टी फाइव मिनट्स नाउ नेक्स्ट वॉट इज द ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर अब आपसे ये पूछा है ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर तो आपको पता है ये भी प्राइम नहीं है ये भी प्राइम नहीं है ये भी प्राइम नहीं, नहीं है तो प्राइम कौन सा है ग्रेटेस्ट नाउ नेक्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय फिफ्टीन थ्री डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर वन हंड्रेड फाइव नाव नेक्स्ट वॉट इज द दिस परसेंट ऑफ टू थाउजेंड वन फिफ्टी वन फिफ्टी इज द करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट अ पर्सन बोट चलिए जी अब फटाफट आंसर्स देखिए इसका आपका आंसर है ट्वेंटी परसेंट और इसका करेक्ट ऑप्शन है नाइन थर्टी ए एम दिस इज सेवन बाई सिक्स और इसका डिफरेंस आपका आया सिक्सटी थ्री और वन नाइनटी सिक्स का नेक्स्ट है हमारा इसका ऑप्शन सिक्सटी सेवन को आप कैसे लिख सकते हो सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन को आप कैसे लिख सकते हो ये आ गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नाउ नेक्स्ट रुपीज थाउजेंड डिवाइडेड बाय एंड दिस देन ए विल रिसीव ए को कितना आया थ्री अपॉन फाइव तो आपका कितना आ गया तो आपका आ गया ए का सिक्स हंड्रेड क्लियर जी क्योंकि आप क्या करोगे थ्री बाय फाइव थ्री बाय फाइव मल्टीप्लाई थाउजेंड कर दोगे वहां से आपकी आ जाएगा नाउ नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर वन नाइन्टी नाइन आंसर इज सो इसका आपका आंसर आ गया माइनस वन परसेंट यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है तीनों की जब फाइव फाइव परसेंट इंक्रीज हुई है द सम ऑफ एजेस ऑफ थ्री पर्सनस तो ये आ गया आपका वन वन फाइव क्लियर तो स्टूडेंट्स तो इसी तरह आपका पूरी आंसर की हमने कंप्लीट कर दी है तो इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ बनते रहिए हमारे कोर्स ज्वाइन करिए ठीक है आपको जो भी लगे आप हमारे कोर्स जितने भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आपका जो भी सैनिक स्कूल का टारगेट है जो मिशन है उसको आप कंप्लीट करने के लिए हमारे हॉस्टल में आइए हमारी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं फर्स्ट जनवरी से हमारा बैच शुरू होने जा रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वेलाइकन प्रेस करिए थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग